मेरी बात सुनो। हाथ क्यों पकड़ रहे हो यार मेरे, दूर से बात करो। बस मेरा मन भर गया है, जैसे तुम जा रहे हो मेरी लाइफ से वैसे ही अपने गिफ्ट भी अपने साथ लेके जाओ। यार तुम रो रहे हो, सच में रो रहे हो? प्लीज तू मुझे छोड़ के मत जा, मुझे पता तेरा मन भर चुका है, मुझे को अच्छा नहीं लगता। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? सो आज मैं करने वाली हूँ सिद्धार्थ के साथ ब्रेकअप प्रैंक। मैंने सोच लिया इस बार तो सारे प्रैंक का मैं बदला लेके रहूंगी, बहुत रुलाता है ना मुझे। आज मैं हर वो चीज करूंगी जिससे ना एंड में वो रो देगा। क्या बात कर रहे? मैं सारी तैयारी के साथ आई हूँ क्योंकि आज मैंने सारे उसके गिफ्ट जो जो उसने दिए थे मेरे बर्थडे पे और वैलेंटाइन डे पे सब लेकर आ गई। कोई सेंस है इस बात की? इतना परेशान करूंगी आज मैं उसको, इतना परेशान कर दूंगी कि नेक्स्ट टाइम वो प्रैंक करने का नाम ही नहीं लेगा। और आई होप कि आप लोगों को भी पसंद आए। अच्छा ठीक है, वो आता ही होगा, तो हम स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में। बाय। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। हेलो यार, कुत्ते कितने भौंक रहे हैं, क्या हो गया? कुत्ते भौंकेंगे ना। मस्त जोक मारा रे। क्या गिफ्ट लेके आई है क्या मेरे लिए? क्या हो गया, उखड़ी उखड़ी सी लग रही? क्या हो गया? कुछ नहीं। तो बोल तो सही कुछ। ये सारी वो चीजें जो तुमने मुझे दी थी। मैंने क्या दी? बैग दिया था तुमने, बर्थडे का ड्रेस दी थी, ठीक है। और ये झुमका मुझे बहुत पसंद है, बट मजाक कर रही है? नहीं। तू गिफ्ट क्यों देती मैं वापस? जो मुझे इतने पसंद है यार, ये गिफ्ट मैंने तेरे लिए लिए थे, तो तू रखेगी ना? हाँ तो बस अब मुझे नहीं चाहिए ना, जैसे तुम जा रहे हो मेरी लाइफ से वैसे ही अपने गिफ्ट भी अपने साथ लेके जाओ। लेकिन हुआ क्या अपने बीच में एकदम? सब तो नॉर्मल था, कुछ भी नहीं बोला मैंने। सिद्धार्थ तुम्हें सब कुछ नॉर्मल लगता है क्योंकि शायद ना तुम ऑब्जर्व ही नहीं करते हो। तुमने कभी सोचा भी है मैं खुश हूँ या नहीं, मेरे साथ चल क्या रहा है, सोचा है कभी इस बारे में? एक्सपीरियंस को तो उधर रख, अपन बात करते हैं। क्या किया मैंने? तुम्हें अब तक पता ही नहीं है कि तुमने क्या किया है? नहीं। तो क्या किया बताना, सोचो ना क्या किया तुमने। अच्छा परसों तूने मुझे बुलाया था, मैं आ नहीं पाया, तो उसलिए तेरे को ब्रेकअप चाहिए। सुनो इतनी छोटी सी सोच नहीं है मेरी, है ना, कि मैं बुलाऊ तुम नहीं आओ तो मैं ब्रेकअप कर लूँ। बहुत मैच्योर हूँ मैं, निब्बी समझ रखा है क्या मुझे? तो ऐसा कौन सा रीजन है यार, मुझे ही नहीं पता, याद नहीं आ रहा है, लड़ाई भी नहीं हुई हमारी 3 दिन से। और तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, अच्छा खासा ब्रेकअप हो जाएगा, फिर मिलते रहना अपने दोस्तों से, सलोनी से, तर्शना से। अच्छा, मिलते रहना, क्या मेरी वो दोस्तों की वजह से तुझे ब्रेकअप चाहिए? क्या बात, ये बात है? प्लीज तुम्हें क्या लगता है मैं बहुत पजेसिव और इनसिक्योर हो रही हूँ तुम्हारे लिए, इसलिए ब्रेकअप कर रही हूँ? बहुत मैच्योर हूँ मैं। तो क्या प्रॉब्लम क्या है फिर यार, बता भी नहीं दिए, डायरेक्ट आया और बोल रही गिफ्ट ले लो, ये कर लो ब्रेकअप। बस मेरा मन भर गया है, मैं खुश नहीं हूँ तुम्हारे साथ। तू यार पल्लवी मजाक कर रही है ना तू मुझसे? मेरी शक्ल देखो, लग रहा है तुम्हें कि मैं मजाक कर रही हूँ? नहीं ये मजाक है, कहीं तो तूने कैमरा वैमरा लगा रखा होगा। ये गड़बड़ है बाबा, ढूंढ लो लगा रखा होगा तो। हर बात तुम्हें मजाक ही तो लगती है, कभी सीरियस हुए भी हो तुम? तुम्हारे लिए मैं मजाक हूँ, रिलेशनशिप मजाक है, सब कुछ मजाक ही तो है तुम्हारे लिए। कभी सीरियस होते ना तब पता चलता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार,
ब्रेकअप एकदम से सडनली कुछ हुआ भी नहीं, कुछ इश्यू भी नहीं है, और तुम ब्रेकअप का बोल रही है। इतने दिनों से मैं हिंट भी दे रही थी तुम्हें कि मैं खुश नहीं हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, हिंट? पर तुम्हें कोई मतलब ही नहीं रहा। कब दी हिंट? कैसी हिंट? उस दिन जब तुमने मुझे कहा था चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलते, मैंने मना कर दिया था। डिनर करने चलते, मैंने मना कर दिया था। मैं तुमसे रात में फोन पर बात भी नहीं कर रही, तो क्या तुम्हें समझ में नहीं आया इन सब बातों का मतलब? यही नहीं, अभी और सुनिए। यार तू ऐसा क्यों कर रही है? पर यार मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, अब तुमने कुछ ऑप्शन ही नहीं छोड़ रखा। पर हम लोग शादी करने वाले थे ना, तूने बोला था कि 2 साल साथ में रहेंगे फिर शादी कर लेंगे। अच्छा नहीं, तुम प्रैंक करो ना मेरे साथ इधर उधर के, और परेशान करो मुझे, रुलाते रहो। तो यार वो प्रैंक करना इतनी बड़ी बात थोड़ी होगी कि मतलब तू यार मुझसे ब्रेकअप ही कर ले, छोड़ भी चली जाए। कोई वीडियो बनाने वाली? यार पल्लवी इसी बात मत कर यार, ढूंढ लेना, तेरे सिवा मेरा कोई भी नहीं, तू जानती है। हाँ हाँ, कहाँ गई तुम्हारी सारी दोस्त सलोनी, दर्शना, ऋतु, कहाँ है ये सब लोग? अरे मुझे चक्कर आने लग गया, काम के वक्त तो कोई नहीं आता है। अरे यार तो इसमें ब्रेकअप वाली क्या बात है यार, करते ना बात, अपन लोग शॉर्ट आउट कर लेंगे। क्या शॉर्ट आउट करोगे तुम? तुम्हें समझ में भी नहीं आता कल चल क्या रहा है, नाराज है या नहीं है, कुछ बोलो तो सोचने लगते हो अपने आप से कि बिजी होगी तो बात नहीं कर रही। अरे दिमाग नहीं लगा सकते क्या थोड़ा सा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार, क्या करूंगा। वैसे भी तुम्हारे पास कमी कहाँ है यार, कोई भी आ जाएगी वीडियो में। बात तो सही है। यार पर मेरी गलती क्या है? गलती तो बता यार। अरे बता तो दिया यार, गलती गलती कर रहे हो, समझ में नहीं आता। अरे तो वो गलती थोड़ी होती है यार, वो तो मतलब यार मेरा काम है ना यार। क्या काम है तुम्हारा? चिपकने लोगों से रोज रोज रात में घूमने जाना। कौन नहीं घूमता यार अपने दोस्तों के साथ? घूमते होगे वो लोग, ठीक है ना, जिनकी गर्लफ्रेंड नहीं होती है। मैं नहीं हूँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड यहाँ पर, मुझे तो छोड़ देते हो तुम और इधर उधर घूमते रहते हो, सोचते रहते हो कि हाँ काम कर रही होगी। यार क्या पूरा टाइम काम ही करती रहूंगी क्या यार? मुझे तो लगता है ना कि ये सब तुम्हारा बहाना है कि नहीं, मैंने तो सोचा तुम बिजी हो, काम कर रही होगी। तुम्हें एक्चुअली पता होता है कि अकेली बैठी है लड़की, ठीक है, फिर भी घूम रहे अपने दोस्तों के साथ, अय्याशी कर रहे। प्लीज ना यार कर ले मेरी बात। हाथ क्यों पकड़ रहे हो यार मेरा, दूर से बात करो। मैं नहीं बताऊंगा। अरे तो ये सब क्यों कर रही है यार? मैं क्या कर रही हूँ और तुम जो कर रहे हो? देखो पहली बात, दूर से बात करो यार, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है, है ना, ये रोमांस अभी मत दिखाना मुझे। ऐसे तो कुछ ध्यान नहीं रहता तुम्हें कि हाँ बात करनी चाहिए, पूरा टाइम तो काम वाम की बातें करते रहते हो, ठीक है बस हो गया, काम के लिए रख रखा है क्या मुझे? अच्छा जो तू बोलेगी वो करूंगा बस। क्या करोगे तुम ये बताओ, चल जो तू बोलेगी वो करूंगा। तुम्हें पता भी नहीं है शायद अभी कि तुम्हारी गलती क्या है, तुमने रियलाइजेशन ही नहीं किया है ना यार। लड़की तुम्हारी वीडियो में आ रही है, हर जगह आ जा रही है, काम हो जा रहा है तो बात खत्म, उसके आगे कुछ पूछना है क्या अपन को? नहीं, अपना काम तो हो रहा है बस। इतना ओवर एक्टिंग नहीं करने का। अच्छा सॉरी ना यार। अरे क्या सॉरी सॉरी यार, जब सॉरी बोलना चाहिए था तब तो तुम सो गए थे, है ना, तुम्हें तो सोना था, घूमना था, काम करना था अपना। यार मैं तेको देता तो हूँ टाइम यार, तू ऐसे क्यों कर रही है? और तू अब मैं और ज्यादा टाइम दूंगा, अगर तुझे ऐसा लगता तुझे मुझे बोलना चाहिए था ना यार। ये कोई बोलने की बात है क्या यार सिद्धार्थ? तुम्हें खुद नहीं दिखता है क्या, खुद समझ में नहीं आता है क्या मैं करूँ तो ऐसा? इसकी माँ का, मैं तुम्हें सिर्फ काम के लिए यूज करूँ और इधर उधर घूमते रहो अपने दोस्तों के साथ, और वक्त आने पर ये बोल दूं कि नहीं मुझे तो लगा तुम काम कर रहे होगे, तुम बिजी होगे, इसलिए मैंने पूछा ही नहीं, मैंने कॉल ही नहीं लगाया, मैंने तुम्हें मिलने के लिए नहीं कहा। तुम क्या करोगे? अच्छा, I'm sorry, तुम भी यही बोलोगे आई एम सॉरी? सॉरी यार, मान जा यार, ऐसा मत कर यार। क्या मान जा यार, मैंने इतने हिंट भी दिए बीच में यार, मैं बोल भी रही, मैं दिखा भी रही हूँ, फिर भी तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अब तुम ढूंढ लेना कोई लड़की अपने लिए, देखती हूँ मैं भी कितना साथ देती है, क्या करती है। नहीं यार ऐसी बात नहीं यार, मुझे तेरे अलावा कोई चाहिए नहीं, और देख तू ऐसा मत बोल। अब तो तुम ये सब बोलोगे ना,
पहले मेरी बात तो समझ यार। अरे यार मुझे हाथ तो पकड़ने दे, ऐसे क्यों कर रही है? मत पकड़ो मेरा हाथ, कोई जरूरत नहीं तुम्हें। वैसे भी हम ब्रेकअप कर रहे हैं यार, ऐसा मत करना यार। तू बोलेगी मैं तेरे सामने और रोड पे डंड बैठक लगा लूंगा, हाथ जोड़ लूंगा, पैर पढ़ लूंगा। ये सब ओवर एक्टिंग करने की ना बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है ना, वैसे भी तुम ये अपने रील्स वीडियो में ये सब करते रहते हो, तो मतलब बहुत नॉर्मल सी बात है ये। अरे वो बात नहीं है यार, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यार, मैं तेरे लिए प्यार के लिए करूंगा, मैं ऐसे रील्स वीडियो के लिए तो एक्टिंग करता हूँ यार। प्लीज ना यार समझना यार। अरे यार तुम मुंह से बात करो ना यार, ये क्या है? मैं बोल रही हूँ जबकि जब मन नहीं है, मन नहीं है मत करो, अपनी चलानी है बिल्कुल, बस इसीलिए। यही तो बात है यार, सुनते ही नहीं हो, मेरी फीलिंग्स की तुम्हें कदर ही नहीं है। मुझे टेंशन हो रही यार, मत कर यार ऐसा। पहले टेंशन नहीं हुई? रात रात भर घूम रहे हैं अपन, इग्नोर कर रहे हैं कॉल, ध्यान ही नहीं दे रहे, टाइम ही नहीं दे रहे, तब टेंशन नहीं हुई? तो ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सोचा होगा उसमें क्या है, कहाँ ही जाएगी, काम तो उसका भी है। सही बात है, मत जाना यार प्लीज। मैंने डिसाइड कर लिया यार, अब मुझे मत बोलो बार बार, तो मेरा डिसीजन नहीं बदलेगा। कैसे रहूंगा यार, तू मेरी हर बात में ख्याल रखती है, मुझे शॉपिंग का हो या फिर किसी भी चीज का हो, मुझे हर चीज में हेल्प करती है। सब क्या यार, आई नो, पर तुमने किया क्या यार? यार औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। सब कर लो और एंड में सॉरी बोल दो बस, और ये नाटक मत करो यार। अरे बस कर भाई, पल्लवी प्लीज यार, मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊंगा यार। देखो तुम ना नाटक मत करो, अभी एक्टिंग मत किया करो, हमेशा हर जगह एक्टिंग करते रहते हो यार, वीडियो नहीं बन रहा है कोई यहाँ पे। रोना यार पल्लवी प्लीज यार, मेरी बात समझ यार, मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊंगा एक्टिंग। खत्म हो गया भैया मैटर, मेरी क्या गलती है यार, अगर वीडियोस बनाना पड़ती तो काम तो होता ना यार, काम करना पड़ता है, सॉरी ना यार। अच्छा सिद्धार्थ तुम रो रहे हो सच में? अरे प्लीज तू मुझे छोड़ के मत जा। अरे तो इसमें रोने की क्या बात है यार, रो क्यों रहे हो? तो रो भी तो क्या करूँ यार। अच्छा आई एम सॉरी यार, सॉरी मुझे नहीं पता था तुम इतना सीरियसली ले लोगे इस बात को, सॉरी मैं मजाक कर रही थी। नहीं पर तू मुझे छोड़ के नहीं जाएगी पहले बोल। हाँ हाँ मैं नहीं जाऊँगी, सॉरी मैं मजाक कर रही थी यार, सॉरी सॉरी सॉरी। अरे यार तुम रो क्यों रहे हो यार, रो मत यार प्लीज यार, ऐसा अच्छा नहीं लगता है मुझे, मैं नहीं देख सकती तुम्हें रोते हुए। वो सॉरी बेकार है भैया, मैं तो टूट गया, चली जाएगी मुझे पता है। मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं हूँ ठीक है, ये सब गिफ्ट मैं अपने पास ही रखूंगी, बहुत पसंद है मुझे, मैं नहीं दूंगी। गिफ्ट भी लेके आ गई तू, पक्का पूरी प्लानिंग से आई थी ब्रेकअप की, मुझे पता तेरा मन भर चुका, मुझे को अच्छा नहीं लगता। देखो ये सब तो मैंने बोला, तो थोड़ा सा तुम्हें भी तो सीरियस दिखाना पड़ता ना, इसीलिए आई एम सो सॉरी, मैं मजाक कर रही थी, रो मत प्लीज। देखो वो कैमरा लगा है, मैंने छुपा के रखा था इस बार, सॉरी रो मत प्लीज। काले उसके पीछे प्रैंक कर रही थी, सॉरी प्रैंक कर रही थी, तुमने भी तो किया था ना यार लास्ट टाइम मेरे साथ प्रैंक, कितना रोई थी मैं, तो वो मुझे गुस्सा आ गया था बस। मैं नहीं जा रही हूँ कहीं ठीक है, नहीं कर रही हूँ, रो मत ठीक है। ये लग करता है क्या? पानी पी, पानी। सॉरी। अरे यार मुझे नहीं पता था तुम इतना सीरियसली ले लोगे, सॉरी। हाथ भी नहीं पकड़ने दे रही थी, तुमको पता है मुझे कितना अजीब सा लग रहा था। तो तुम मानती नहीं ना मुझे, अगर मैं ये सब नहीं करती तो ऐसा कोई प्रैंक करता है क्या यार इतना? ओके गाइस सो सॉरी, थोड़ा सा एक्सट्रीम रॉन्ग हो गया ये, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, हालांकि मैंने कह दिया था कि रुलाऊंगी उसको, बट अभी मेरे को खुद को अच्छा नहीं लग रहा है, तो आगे से मैं सच में ध्यान रखूंगी और ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। आई एम सो सॉरी सिद्धार्थ, सॉरी ठीक है, चलो मिलते हैं गाइस, बाय बाय।